हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो कल मैंने पहला तक कंप्लीट कर दी थी, आज हम शुरू करते हैं कुषाण से। तो चलिए शुरू करते हैं। कुषाण पहलवों के बाद कुषाण आए जो यूची कबीले से संबंधित थे। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कंटफिसस ने की। इसने तांबे के सिक्के चलाए। कुषाण शासक बिम कंटफिसस ने सोने के सिक्के जारी किए। यह स्वयं मतान्वयी था तथा इसने महेश्वर की उपाधि धारण की। कनिष्क इस वंश का महानतम शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राजरोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसके दरबार में अश्वघोष, बसुमित्र, नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सा विद्यमान थे। कनिष्क के शासनकाल में ही कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे, जिसकी अध्यक्षता बसुमित्र ने की। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र तथा अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौद्रानंद तथा सरिता पुत्र प्रकरण की रचना की। कनिष्क के उत्तराधिकारी वासुदेव की मुद्राओं पर शिव और नंदी की आकृतियां मिलती है। इससे पता चलता है कि शैव मतानुयायी का था। कुषाण शासकों ने राजाओं की प्रतिमा पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया। वासुदेव द्वितीय कुषाण वंश का अंतिम शासक था। अगला है हमारा गुप्त साम्राज्य। गुप्त संभवतः वैश्य थे और कुषाणों के सामंत रहते थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में गुप्तों के आरंभिक पूर्वजों के रूप में श्रीगुप्त और घटोत्कच का विवरण मिलता है। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी के सिंहासन रोहण के साथ ही प्रकाश में आता है। इसी समय 319 से 320 ईस्वी में उसने गुप्त संवत की भी शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्त संवत। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उसका नाम अपने सिक्के पर अंकित करवाया। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी के शासक बना। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान का पता चलता है। समुद्रगुप्त ने सर्वराज्य स्वच्छता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सिंहासन पर बैठा। यह शकों से पराजित हो गया था तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो गया था। उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा और रामगुप्त को मारकर ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह बकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य तथा परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण करवाया। उसके दरबार में नवरत्न रहते थे जिनमें कालिदास, बरामिहिर, धनवंतरी इत्यादि प्रमुख थे। चीनी यात्री फाहियान इसी के समय 399 ईस्वी में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 से 454 ईस्वी गद्दी पर बैठा। गुप्त वंश के दो शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया, पहला शासक समुद्रगुप्त और दूसरा शासक कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ जिसने कुमारदित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण आरंभ हो गया था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में हुनों की पराजय का जिक्र है, किंतु उसी के भीतरी अभिलेख में हुनों के साथ केवल युद्ध का वर्णन है, परिणाम का नहीं। जूनागढ़ अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त एवं उसके पुत्र चक्रपालित ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था।
गुप्तों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। अगला है हमारा गुप्तकालीन प्रशासन। केंद्रीय स्तर पर दंडनायक न्यायाधीश, महाबलधिकृत सेनानायक, संधि विग्रहिक, विदेश मंत्री जैसे अधिकारी थे। इस काल में अधिकारियों के पद वंशानुगत होने लगे थे तथा एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पद दिए जाने लगे। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था, जिसे देश अथवा भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति पर उपारिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। प्रांतों को अनेक जिले जिसे विषय में बांटा गया था, जिसका प्रधान विषयपति कहलाता था। नगर और प्रशासन में रहने वाले विभिन्न जातियों और व्यवसायियों के संघ को पुंग कहते थे। जिला प्रशासन के नीचे विधि प्रशासन होता था, जिसका प्रधान आयुक्त कहलाता था। ग्राम को सबसे निचली प्रशासनिक इकाई माना गया था, इसका प्रधान ग्रामिक या महत्तर कहलाता था। अगला है हमारा गुप्तकालीन समाज। कायस्थों का विवरण सर्वप्रथम यज्ञवलय स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओष्णम स्मृति में मिलता है। इस काल में वैश्यों की सामाजिक दशा में गिरावट, किंतु शूद्रों की स्थिति में सुधार दिखाई देता है। यज्ञवलय स्मृति में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। स्त्री धन विवाह आदि के समय बंधु के माता पिता से तथा सास ससुर से प्राप्त सभी उपहारों को कहते थे। कालिदास के मेघदूत में देवदासी प्रथा तथा कालिदास के ही अभिज्ञान संकुंतलम में अवगुंठन शब्द का प्रयोग प्रदा प्रथा के लिए हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरियन अभिलेख से मिलता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। अगला हमारा गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन में एक ओर जहां मुद्रा अर्थव्यवस्था का वाणिज्य व्यापार में हर्ष देखा गया, वहीं कृषि अर्थव्यवस्था में प्रसार देखा गया। गुप्तकाल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिपित बंगाल पतन से संचालित होता था। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया। इस काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी गई, उसे अग्रहार कहा जाता था। जूनागढ़ अभिलेख में बेगार प्रथा का संकेत है। कामसूत्र में भी इसकी पुष्टि होती है। इसे समकालीन अभिलेखों में बिष्टि कहा गया है। श्रेणी के प्रधान को इस काल में ज्येष्ठक कहा जाता था। इस काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। इस काल में चांदी के सिक्के को रूप्यांका कहा जाता था। अगला है हमारा गुप्तकालीन धर्म। मंदिरों बनाने की कला का जन्म संभवतः गुप्तकाल में हुआ। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। गरुड़ जो था वो गुप्तों का राजचिन्ह था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता के अतिरिक्त बाघ की गुफाएं जिलाधार मध्य प्रदेश भी गुप्तकालीन कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। टाइगर ऑफ द स्टेट किसको कहा गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहली बार देवताओं की मूर्ति को मंदिरों में स्थापित कर उनकी उपासना गुप्तकाल में आरंभ हुई। इसी काल में विष्णु के साथ ब्रह्मा और महेश के रूप में त्रिदेव की परिकल्पना विकसित हुई। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मत मतांतर और दृष्टिकोण प्रचलित थे। गुप्त काल में चलकर ये संस दर्शन के रूप में स्थापित हो गए। संस दर्शन क्या था? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस और वेदांत। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। अगला है हमारा गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बहुराज्यीय व्यवस्था कायम हुई। कन्नौज में मौखड़ी वंश, थानेश्वर में पुष्पभूति वंश, बल्लभी में मैत्रक वंश, मगध में मैत्रक वंश और मगध मालवा में गुप्तों की गौण शाखा और गौर बंगाल में शशांक का राज स्थापित था। पुष्पभूति वंश का संस्थापक पुष्पभूति था। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था।
हर्ष की बहन राजश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था, जिसकी हत्या मालवाराज देवगुप्त ने कर दी। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन जब इसका बदला लेने गया तो देवगुप्त ने गौर शासक शशांक के साथ मिलकर धोखे से उसकी हत्या कर दी और 606 ईस्वी में हर्ष को थानेश्वर की गद्दी पर बैठाया गया। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता था। उसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष के विषय में सूचना उसके बांसखेड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। साथ ही उसके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र और उसके शासनकाल में आए एक चीनी यात्री हेनसोंग द्वारा रचित सियुके से होती है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि उसने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को पराजित किया था। हर्षवर्धन आरंभ में शैव मातानुयायी था, आगे चलकर वह वैद्य मातानुयायी बन गया और महायान पंथ का महान संरक्षक साबित हुआ था। हेनसोंग के विवरण से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में एक धर्म संसद का आयोजन करता था और सारा धन वहीं दान करता था। नोट में दिया है, हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हर्ष स्वयं भी महान शासक था। उसने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी की 3 बड़ी शक्तियाँ गुज्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य कन्नौज पर अध्यापत्य के लिए त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसमें अंततः प्रतिहारों की सफलता मिली। अगला हमारा पश्चिम एवं दक्षिण भारत संगम युग। पश्चिम और दक्षिण भारत में संगम युग पहला था। संगम युग के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम, संगम मतलब गोष्ठियों, आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य संगम साहित्य कहलाया, जिसका विवरण निम्नलिखित है। संगम और स्थान, उसके अध्यक्ष और संबंधित तथ्य दिया हुआ है जिसे हम पढ़ेंगे। प्रथम संगम युग मदुरै में हुआ था। इसकी अध्यक्षता ऋषि ने की थी और इसकी कोई रचना अब उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम युग कपाटपुरम में हुआ था, अलेबाई में। इसकी अध्यक्षता भी अगस्त ऋषि ने की थी। इसका एकमात्र प्राप्त ग्रंथ तोलका पीएम है। तीसरा संगम युग तृतीय मदुरै में हुई थी। इसके अध्यक्ष नक्कीकिरर थे। यद्यपि इससे भी अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए, फिर भी जो तमिल साहित्य बचा है वह इसी संगम से संबंधित है। अगला है हमारा, कुछ पुस्तक दिया गया हुआ है और उस पुस्तक के लेखक का नाम है जिसमें तोलका पीएम और जी वके बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, तोलका पीएम तमिल व्याकरण की पुस्तक है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि तमिल व्याकरण की पुस्तक कौन सी है, तो तोलका पीएम। इसके लेखक तोलका पीयर। अगला है हमारा शिल्पादिक्रम महाकाव्य थी, इसके रचनाकार थे इलांगो आदिगल। मणि मेखले महाकाव्य पुस्तक, इसके रचना थे शीतले सतनार। अगला पुस्तक है हमारा जीवक चिंतामणि महाकाव्य, इसके लेखक थे तिरुतकदेवर। फिर अंतिम पुस्तक तिरुवक्कूरल महाकाव्य है, इसके रचनाकार थे तिरुवल्लुवर। तिरुवक्कूलर को तमिल बाइबिल भी कहा जाता है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर और पांडे का विवरण प्राप्त होता है। चोल राज्य का प्रमुख शासक कारिकल था। इसने चेर और पांडे राजाओं को युद्ध में हराया था। पुहार पतन निर्माण इसी के समय में हुई। कावेरी नदी पर बांध का निर्माण कर उसने सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई। चोल की राजधानी प्रारंभ में उरेयूर तथा कालांतर में कावेरी पत्तनम में बनी। संगम युग का दूसरा राज चेर का था, जो केरल प्रांत में स्थित था।
इस वंश का प्रमुख शासक सेन गुटवन था। इसने पातनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया और पातनी देवी की पूजा प्रारंभ करवाई। चेरों की राजधानी करियूर अथवा बीजापुर थी। संगम युग का तीसरा राज पांड्य का था। इसकी राजधानी मदुरै थी। नेडुजेलियन इस वंश का प्रमुख शासक था। इसकी राजधानी मदुरै थी और इसका प्रमुख शासक नेडुजेलियन था। अगला है हमारा वकाटक वंश। ये सब छोटा छोटा वंश है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ बराबर में सातवाहनों के स्थान पर वकाटकों का उदय हुआ। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति को माना जाता है। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक राजवंश में करवाया और इन्हीं सहायता से युद्ध में शकों के विरुद्ध सफलता अर्जित की। अगला है हमारा कदंब वंश। कदंबों ने चौथी सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोकण में अपना राज कायम किया था। कदंब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने 18 अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को कई गांव दान में दिए। कदंबों ने अपनी राजधानी बैजंती या वनवासी में बनवाई थी। अगला हमारा है बतापी बादामी के चालुक्य। चालुक्यों ने छठी सदी में पश्चिमी दक्कन में अपना राज स्थापित किया। चालुक्यों की राजधानी बतापी आधुनिक बादामी वर्तमान में कर्नाटक के बीजापुर जिले में है। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। वह कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था। पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईस्वी की उपलब्धियों की जानकारी उसके एहल अभिलेख से मिलती है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित करने के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणा पथेंश्वर की उपाधि धारण की थी। चालुक्यों का दक्षिण में पल्लवों के साथ युद्ध हुआ था। चालुक्यों द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। अगला है हमारा बेंगी के चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी का द्वाब पल्लवों से छीन लिया। यह द्वाब बेंगी कहलाया। बेंगी में चालुक्य वंश की एक ही शाखा स्थापित की गई, जो बेंगी का पूर्वी चालुक्य राजवंश कहलाने लगा। बेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की। अगला है हमारा पल्लव वंश। पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और तमिलनाडु दोनों पर था। पल्लवों ने अपनी आरंभिक अभिलेख प्राकृत और फिर संस्कृत में जारी किए। पल्लवकालीन कुछ प्रमुख शासक, जिसमें पहला था श्री विष्णु। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक श्री विष्णु था। इसकी राजधानी कांची एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसी के दरबार में कीर्तार्जुनीयम के लेखक भाड़वी रहते थे। कीर्तार्जुनीयम पुस्तक के लेखक भाड़वी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है महेंद्र वर्मन प्रथम। इनका काल था 600 से लेकर 630 ईस्वी तक। इसी के समय में पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसने स्वयं को मतबिला प्रहंस नामक ग्रंथ की रचना की। अगला है हमारा नरसिंह वर्मन प्रथम। 630 से 668 ईस्वी तक इनका शासन रहा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण इसी ने करवाया था। 7 रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा तथा धर्मराज सबसे बड़ा है। इन 7 रथ मंदिरों को सप्त पैगोंडा कहा जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर मार डाला और बातापी कुंड की उपाधि धारण की। इसी के काल में हेनसोंग ने कांजी की यात्रा की एवं उसकी सुंदरता और भव्यता की काफ़ी प्रशंसा की। अगला हमारा है नरसिंह वर्मन द्वितीय। इनका काल था 680 से लेकर 720 ईस्वी तक। कांजी के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया। इसे राज सिंह भी कहा जाता है।
संस्कृत के प्रख्यान विद्वान दंडिन ने इसी की राजसभा में रहते थे। अगला और हमारा लास्ट है नंदीवर्मन द्वितीय। कांजी के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। आगे चलकर पल्लवों के ध्वावशेषों पर चोलों का उदय हुआ। तो ये वीडियो, ये बुक एंशियंट का यहीं पे ख़त्म होता है। अगला हमारा होगा मेढ़ाइबल यानी कि मध्यकालीन भारत का। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोगों को इस बुक से रिलेटेड कोई भी बातें करनी है, या तो PDF के बारे में हो या फिर बुक में कोई सुधार की बातें हो, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी आवर लाइव। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।